उत्तराखंड राज्य के गुमला में हत्या का दौर बदस्तूर जारी है। पुलिस आपराधिक घटना पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। घटना शहर के बीचों बीच की है, जहां दिल दहला देने वाली घटना घटी। चेटर कन्हा टोली बगीचा में 26 वर्षीय थुचा विरसाई तिर्की की अज्ञात अपराधियों ने तेज धार हथियार से मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरा इलाका सहम गया। वहीं घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला अस्पताल भेजा। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। वहीं अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस कार्यवाही में जुट गई है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। क्या पता नाम पति? ये एक साल से मेरा घर में रह रहा था और एक साल से रह रहा था, हम लोग का घर में काम कर रहा था, लेबर काम। और ये इधर महला तरफ आया था, इधर पार्टी उटी था तो खाया पिया, उसके बाद रात हो गया। फोन किए घर में तो आ रहा था, तो कैसे घटना हो गया, दुर्घटना हो गया इसको, और इसको हत्या कर लिया। हमारा है का किया है उसका कोई अथी नहीं है, पते नहीं है। अब उसको कोई अथी से मारा है, जाली सब से। तो फिर उसको उसको घटना हुआ, उसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिर को उसको जाली से काट दिया है। टांगी से मारा कि भुजाली से मारा? भुजाली से मारा होगा, टांगी उतना ज़्यादा थोड़ी होती होगा, भुजाली से ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। तो आपके पास लेबर काम कर रहा था? किस ट्रैक्टर में? हाँ, हम ही लोग का ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर आप ही लोग का है? आपका क्या नाम है? मंगी उराव। हाँ जी सर। जनपद बांदा में नकली व जहरीली शराब को लेकर पड़ोसी जनपद चित्रकूट में पिछले दिनों पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। उसी के परिपेक्ष में बांदा पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी करके भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो चुका है। पूरा मामला नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अतर्रा चुंगी चौकी का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग ने योजना बनाकर छापेमारी की तो पता चला कि अंग्रेजी शराब के ठेके के पीछे बने मकान में अवैध रूप से नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। तभी देर शाम पुलिस ने छापेमारी कार्यवाही करके मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की। वहीं खाली बोतल और रैपर भी बरामद हुए हैं। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह चौहान सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जहां पंचायत के चुनावों को देखते हुए और भी बड़ी कार्यवाही जारी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं अरविंद सिंह गौतम इस समय बांदा नगर कोतवाली के अतर्रा चुंगी के पास खड़ा हूं, जहां देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके नकली शराब बरामद की है। मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये अंग्रेजी शराब की दुकान है जो संतोष कुमार सिंह के नाम आवंटित है। ये वही दुकान है, उसी दुकान के ठीक सामने जो ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हरे रंग से माई सीमेंट लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी शराब की दुकान है। इसी के जस्ट पीछे ये मकान बना हुआ है और इसी मकान में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया था। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि 500 क्वार्टर बरामद किया गया है और रैपर और खाली बोतलों के ढक्कन भी बरामद किए गए हैं। हालांकि बीते सप्ताह पहले चित्रकूट में भी जहरीले शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था। हालांकि कई अधिकारियों को निलंबित भी किया गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में देर शाम मुखबिर की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक और आबकारी विभाग ने छापा मारा था, जहां भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। हालांकि पंचायत चुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, अभी आने वाले समय में और भी छापेमारी की जा सकती है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ पीटीवी न्यूज के लिए बांदा से अरविंद सिंह गौतम की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अतर्रा चुंगी के जो सरकारी शराब के ठेके की दुकान है, वहां पर जो है चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान वहां पाया गया कि वहां का जो सेल्समैन है अपने दुकान के पीछे कुछ अवैध तरीके से खाली शीशियों को इकट्ठा करके और कुछ लेवल इकट्ठा करके और नकली शराब बना रहे थे।
आज मौके पर जो है एक हरी शरण यादव, ये सेल्समैन ये रहने वाले हैं मुकुंदपुरवा थाना बदौसा के, ये पकड़े गए हैं। और एक दूसरा सेल्समैन उमाकांत उपाध्याय ये मौके से फरार हो गया है। वहाँ चेकिंग के दौरान जो है मस्ती की कुल 12 शीशी ये प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो शराब बनाई गई है विदेशी शराब, उसकी कुल 82 बोतलें बरामद की गई। नकली ढक्कन जो है कुल 518 जो विभिन्न कंपनियों के थे, जैसे इंपीरियल ब्रू, रॉयल स्टैग और मैकडोनाल्ड इसकी थी। इसके अलावा खाली जो कुछ जो खाली शीशियाँ जो विभिन्न शराब के जो ब्रांड हैं उनके कुल 505 जो है ये खाली शीशी जो है बरामद हुई हैं। सोडा के कुल 17 भरी भी कुल 17 बोतलें हैं और 12 बोतल खाली है। इनका ये तरीका था कि ये जो देसी शराब है जो यहाँ पर मस्ती के नाम से चलती है, उस देसी शराब को सोडा में मिला करके और जो विदेशी शराब के जो ब्रांड की जो बोतलें हैं नकली बोतलों में उसकी फिलिंग करते थे और नकली ढक्कन लगा करके और फिर ये सप्लाई करते थे। तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है क्योंकि उनके दुकान भी उसके भी काफ़ी सामान जो है उसके सब सारे जितने भी शराब थी उसकी पूरी उसको भी सीज किया गया है। सर किसी अभियुक्त को पकड़ गए? एक अभियुक्त बता तो रहे हैं हरिशंकर यादव। दुकान मालिक कौन है? दुकान का जो प्रोप्राइटर है वो संतोष कुमार सिंह है। वो बताते हैं उनको लकवा मार दिया है, पैरालिसिस में है, फिर भी हम उनसे पूछताछ करेंगे कि आपके सेल्समैन आपकी आड़ में इस तरह से। क्या ये चित्रकूट की घटना को लेकर की कार्रवाई की जा रही है या चुनाव को लेकर की, या दोनों संयुक्त है? नहीं, ये कार्रवाई तो हमारी शुरू से चल रही थी। ये कार्रवाई जो है जब से चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है तब से हम लगातार जितने भी शराब के ठेके हैं जो अवैध शराब बनाने वाले हैं उनके यहाँ हमारी पुलिस पार्टी और आबकारी टीम संयुक्त रूप से ये कार्रवाई कर रही थी। आज इसी कार्रवाई के क्रम में जो है ये चेकिंग की गई और ये अच्छी सफलता प्राप्त हुई। लगभग कितना माल होगा, टोटल कितने रुपयों का माल होगा ये? अब इसका रुपयों में तो अभी हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाकी संख्या मैंने आपको बता। बिहार में गया मगध की धरती पर आज भोजपुरी फिल्म लेट से आएंगे पर बुलेट से आएंगे का शूटिंग गया शहर के रामपुर थाना स्थित किया गया। इस दौरान फिल्म के निर्माता शिव शंकर सिंह व संजय कुमार, फिल्म के निर्देशक सूरज गिरी एवं लेखक मणि भारती, इस फिल्म में संगीत ओम झा के द्वारा दिया गया है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार विजय राज यादव जो कि इस फिल्म के अभिनेता हैं, फिल्म के अभिनेत्री निधि झा, विनीत विशाल इस फिल्म के विलन का रोल